हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज न्यू लेक्चर स्टार्ट होने वाला है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में। आज से हम कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। दोस्तों, ये लेक्चर इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद का पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, कैसे आपको दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको दूसरे सामने इंटरव्यू में आपको कैसे बात करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, ये जो कम्युनिकेशन है आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या प्रोसेस है, ये सब हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। हम डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड कम्युनिस। ये कम्युनिस्ट वर्ड से ये ड्राइव्ड बाय कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स टू शेयर। इसका अर्थ क्या है, शेयर करना या फिर कम्युनिकेट करना, किसी से बातचीत करना। कम्युनिकेशन तो हम वही करते हैं, जिस तरह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे बातों को समझ रहे हैं, और इससे क्या हुआ, हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये सेकंड पॉइंट था आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। जैसे दोस्तों, हम आपको समझा रहे हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, आप समझ रहे हैं,
अगर दोस्तों आपका हमको फीडबैक नहीं मिलेगा, अगर आपका हमको कमेंट नहीं मिलेगा, तो हमको दोस्तों ये चीज़ का पता नहीं चल पाएगा कि आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इससे दोस्तों हमको पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कर दें और फिर अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। जब तक आप हमको कमेंट नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तो दोस्तों हमको भी पता नहीं चल पाएगा कि आप हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है टू वे प्रोसेस। जब भी दो पर्सन होता है, अगर सपोज अगर फर्स्ट पर्सन अगर कुछ बोल रहा है, सेकंड पर्सन अगर उसका रिप्लाई अगर नहीं दे रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इन द माइंड ऑफ सेंडर एंड इट्स विथ प्रॉपर फीडबैक। यहाँ पे क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इन द माइंड ऑफ सेंडर। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंडर के माइंड में सबसे पहले स्टार्ट होता है। सपोज हम आपको अभी जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं आपको, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे ये दिमाग में आया होगा कि इस लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर मेरे दिमाग में अगर नहीं आता, तो हम आपको ये वीडियो समझा भी नहीं सकते, हम आपको इस लाइन का मीनिंग भी नहीं समझा सकते। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी ये मैसेज सेंड करता है, जो भी पर्सन कुछ भी अनदर पर्सन को बोलता है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर फीडबैक होता है, जिसके कारण कि वो कम्युनिकेट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है। दोस्तों ये था आपका कम्युनिकेशन क्या होता है। अब दोस्तों इसका हम फॉलोइंग स्टेप्स देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स है कम्युनिकेशन का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, दो पर्सन होना चाहिए। कौन कौन सा, एक सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा और एक रिसीवर। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंडर होगा फर्स्ट, सेंडर्स माइंड। दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस है सेंडर्स माइंड। देन क्या होगा, इनकोडिंग। आप सोच रहे हैं ये इनकोडिंग क्या होता है। दोस्तों हम ए टू जेड हम आपको अलग अलग करके हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंडर्स माइंड होना चाहिए। जो भी मैसेज आपको सेंड करेगा वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। सपोज आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सपोज आप हिंदी में बात कर रहे हैं और हमको हिंदी नहीं आती है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे तो कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, आप जिस लैंग्वेज में आप मैसेज को हमको सेंड किए,
वो जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होता है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब हम जिस लैंग्वेज में उसको समझ रहे हैं उस लैंग्वेज में वो, आप जो हिंदी जो आप बोल रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण कि क्या होगा, हमको समझने में आसानी होगी। इसी को बोलते हैं इनकोडिंग। दोस्तों ये मैसेज सेंडर अपना मैसेज को इनकोडिंग करके आपको क्या किया, सेंड कर दिया। अब सेंड जो करेगा तो दोस्तों कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम तो होना चाहिए, क्योंकि सेंड जो भी मैसेज सेंड करेगा तो ऐसे तो वो मैसेज सेंड नहीं कर सकता है, कोई ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। जैसे सपोज पहले ज़माने में होता था पत्र के द्वारा हम कोई भी मैसेज को सेंड करते थे, अभी क्या होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ये सब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए। कॉलिंग, हम कॉल से भी अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय कॉलिंग। ये सब हुआ एडवांस लेवल का, अभी जो चल रहा है ये सब, अभी हम इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसमिशन मीडियम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन मीडियम अगर नहीं होगा तो आपका मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इसको हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। दोस्तों मैसेज क्या हुआ, सेंडर के द्वारा निकल गया, सेंडर अपना मैसेज को इनकोडिंग करके ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया। अब वो मैसेज किसके पास आएगा, रिसीवर के पास आएगा। तो नेक्स्ट होगा आपका रिसीवर। रिसीवर फिर क्या करेगा, जो भी आपका मैसेज जिस फॉर्म में आया है उसको खुद के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सपोज आप हमको हिंदी में मैसेज ट्रांसमिट किए थे तो हम क्या किए, वो मैसेज को हम इंग्लिश में कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती है। तो रिसीवर जो मैसेज जो कन्वर्ट करेगा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो भी वो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिकोडिंग बोलते हैं, डिकोडिंग। फिर दोस्तों क्या होगा इसके बाद, इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि हमको पता चलता है मैसेज किस टाइप का मैसेज आया है और क्या मैसेज आया है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये हमको मैसेज किसी का पत्र है या फिर कोई हमको बुला रहा है या फिर जो भी सेंडर मैसेज किया है। तो नेक्स्ट होगा आपका इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन। ये हो गया, रिसीवर के पास मैसेज आया, वो क्या किया, डिकोडिंग किया। डिकोडिंग होने के बाद किस टाइप का मैसेज आया है वो चेक हो गया। अब उसको क्या करेगा, मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा मैसेज को, बिना समझे तो कोई फीडबैक देगा नहीं। इसलिए अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग देन आफ्टर लास्ट क्या होगा, फीडबैक। ये फीडबैक क्या होता है, जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में, तो हम यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप हमको फीडबैक नहीं दीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा कैसा था वीडियो, क्या प्रॉब्लम था। तो दोस्तों हमको कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको वीडियो कैसा लगा,
बिना कोई कम्युनिकेशन का तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप हमको कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं किस तरह का वीडियो है, एक बार ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों कमेंट करने में कोई टाइम नहीं लगता है, बस आपको जो पसंद आया, जो भी चीज़ अच्छा लगा, जो भी प्रॉब्लम हो, आप बस वो हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रोसेस, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबका एक्सप्लेनेशन के बारे में, अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे सबको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए अंत तक पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।